उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए फिर, होप सो सब लोग आ गए हैं, 11 लोग तक सेंट शिवांग ज्वाइनिंग, ओके ठीक है, 11 लोग आ गए हैं, मतलब टोटल 10 लोग हैं, ठीक है फिर एकदम से बेसिक से स्लोली स्लोली जाएंगे, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल सकता है, ओके खुशी जैनी युक्ति नहीं आई, नम्रता जेबार जैनब नहीं है, राधिका प्रियांशी ध्वनि और श्रद्धा, श्रद्धा नहीं है, ध्वनि अच्छा काफ़ी सारे लोग नहीं आए अभी तक, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ओके तो पहले हम 9 क्लास का पॉलिनोमियल एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम 10 क्लास का पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी स्कूल ओपन नहीं होगी तो हो सकता है शायद आपके ऊपर भी 2020 वाला सिलेबस चले, आपका जो सेशन आपका जो साल चल रहा है 2021, आप लोग जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो 2022 के अंदर, तो अगर आपकी स्कूल ओपन नहीं होती है तो मे बी आपके ऊपर भी यही सिलेबस लगाया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले एक काम करता हूँ कि जो हमारा रिड्यूस सिलेबस है उसको पहले हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपकी स्कूल स्टार्ट हो जाती है और पूरा सिलेबस आएगा तो जो कुछ छूटेगा वो हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि फिर ऐसा ना हो जाए कि हम पूरा सिलेबस पढ़े और वो सिलेबस आए ना, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, हमने पूरा पढ़ना शुरू किया और फिर दिवाली के बाद अपडेट आया कि रिड्यूस सिलेबस पढ़ना है, तो मतलब पूरी मेहनत आपकी पानी में चली जाएगी, तो ऐसा नहीं करेंगे लास्ट टाइम गलती की वैसे, रिड्यूस सिलेबस पहले फोकस करेंगे और रिड्यूस सिलेबस अगर पूरा आता है तो फिर हम देखेंगे कुछ। चलिए अब 9 क्लास का पॉलीनोमियल स्टार्ट करते हैं, किसी ने 9th में नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, आपको इसे समझना है, लास्ट में हम थोड़ा क्विज टाइम करेंगे तो आपका थोड़ा कंसेप्ट पक्का हो जाएगा। चैप्टर का नाम है पॉलीनोमियल, देखो एकदम से बेसिक से जा रहा हूँ, जिसको कुछ मालूम नहीं होगा वो भी सब जान जाएगा। पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल की शुरुआत दो वर्ड से होती है, टर्म कांस्टेंट वेरिएबल, ये दो वर्ड्स हैं, इनसे पूरी शुरुआत हो रही है पॉलीनोमियल की। पहले हम बारी बारी से एक पढ़ लेते हैं, किसे कांस्टेंट कहना है किसे वेरिएबल कहना है, ध्यान से सुनना, ये पूरा सेशन आपको सुनना ही है, कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर और वेरिएबल का मतलब होता है अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट्स दो तरह के होते हैं, अपर केस जिनको हम पहली एबीसीडी बोलते हैं और लोअर केस जिसको हम दूसरी एबीसीडी बोलते हैं। इसमें आपका ये आ जाएगा ए बी सी डी आ जाएगा और ये आ जाएगा ए बी सी, ठीक है। हम मोस्टली यहाँ से डील करेंगे, हम यहाँ पे इनको ही यूज़ करेंगे, क्योंकि कई बुक में आप देखने को मिलेगा आपको कि क्या करते हैं कि अपर केस को वो लोग क्या यूज़ करते हैं, एज अ कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं। जैसे आप 10th क्लास में साइंस में जब आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ोगे तो वैसे हम वहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए आर यूज़ करते हैं, वैसे आगे हम डिस्कस करेंगे, हम इनको यूज़ नहीं करेंगे अभी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी आप इनके ऊपर चर्चा ना करें तो अच्छा रहेगा, अभी हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ स्मॉल अल्फ़ाबेट से मतलब है। नंबर में तो आप जानते ही हो, नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं, फिर आपका रेशनल नंबर आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, सारे प्लस माइनस वाले सारे नंबर ले सकते हो,
जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट है 4 और यहाँ पे एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ y, अगर मैंने इनको जोड़ दिया तो ये ऐसा दिखेगा आपको 4y। एक और एग्जांपल ले रहे हैं 4mp, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 4mp। और एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए लिया -10 एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो इसको कैसे लिखेंगे हम एक्स वाई स्क्वायर जेड। सब देख सकते हो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, और आप ये देख रहे डॉट कर रहा हूँ वही वेरिएबल है सारे, ये सब वेरिएबल है। तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, टर्म, इसे हम टर्म कहते हैं। ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ठीक है। बट कभी कभी आप ऐसा भी देखोगे, जहां पे आपको ऐसा दिखे लिखा हुआ मिलेगा। अब मैं टर्म की बात कर दूं यहां पे, तो टर्म मेजरली 4 तरह के, टर्म है आपके 4 तरह के होते हैं। पहला टर्म है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और चौथा है पॉलिनोमियल। अभी आप देख सकते हो कि हमारा चैप्टर कहाँ पे है, हमारा ये चैप्टर है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पहले मोनोमियल मतलब वन टर्म, बाइनोमियल मतलब टू टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म और पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 4 और 4। एग्जांपल देके समझाऊं आपको मैं, तो यहाँ पे लिखा मैंने 3x, यहाँ पे लिखा मैंने 3x प्लस 2y, यहाँ पे लिखा 3x प्लस 2y प्लस 4z और यहाँ पे लिखा 2x 3x 2y square प्लस 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक और दो, यहाँ पे एक दो और तीन टर्म, यहाँ पे एक दो तीन और 4, ठीक है। तो आपका चैप्टर आप देख सकते हो, चैप्टर में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है। बट इसमें भी थोड़ा हम एक और बात समझेंगे, पॉलिनोमियल, उसका मीनिंग तो आपको समझ में आ गया, बट ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में, इतने वेरिएबल में, जैसे मैं आपको बात बताऊं, 4x² प्लस 3x, 4x² प्लस 4y² प्लस 4z², फिर यहाँ पे बात करूँ 4m² प्लस 4py प्लस 10x, तो ये सारे पॉलिनोमियल है, ये सारे पॉलिनोमियल हैं। बट इनकी वैराइटीज़ देखना, यहाँ पे एक ही अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्स लिया है, वाई लिया है और जेड लिया है, तो हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। और यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, आपको ऐसा पॉलिनोमियल पढ़ना है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया कि पॉलिनोमियल क्या है, और हमें पॉलिनोमियल की बहुत सारी वैरायटी है, उसमें से हमें कौन सा पॉलिनोमियल
पढ़ना है, ठीक है? इतनी बात क्लियर है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ आपको, ओके? किसी को बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल सकता है, जहाँ पे कुछ समझ में ना आया वो तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं एक और बात कर दूँ, पॉलिनोमियल है उसकी एक और भी कैटेगरी होती है जिसको हम बाद में डिस्कस करें, इससे अच्छा अभी डिस्कस कर दें। सबसे पहले एक अलग कैटेगरी होती है लीनियर, दूसरी होती है क्वाड्रेटिक। और तीसरा होता है क्यूबिक। ये सारी बातें हम किसके बेस पे करते हैं? डिग्री के बेस पे करते हैं। डिग्री क्या है उसके हिसाब से कौन लीनियर बनेगा, कौन क्वाड्रेटिक बनेगा और कौन क्यूबिक बनेगा, वो हम डिसाइड करते हैं। तो पहले जिन बच्चों को डिग्री के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिग्री के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। डिग्री किसे कहना है? डिग्री का सिंपल मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। किसकी हाईएस्ट पावर? वेरिएबल की। यहाँ पे इस चैप्टर में वेरिएबल के ऊपर ज़्यादा भार दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ सारी बातें जो कुछ भी हो रही है ना वेरिएबल के बेस पे हो रही है। एग्जांपल देके बताऊँ मैं आपको, 4x, 4x स्क्वायर प्लस 3y3, 4m³ प्लस 3y प्लस 4z। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या करना है? वेरिएबल ही देखना है, आपको वेरिएबल के ऊपर ही फोकस करना है। तो आपको पता है वेरिएबल किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पे वेरिएबल ये रहा, यहाँ पे वेरिएबल ये रहा, ये रहा वेरिएबल, इधर ये और ये रहा। अभी आपको x के ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको समझ जाना है कि x के ऊपर 1 होगा, ठीक है? यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो x के ऊपर 2 और y के ऊपर 3 है। अब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे तो वेरिएबल एक ही है, कौन? x। और x के ऊपर कितनी पावर है? 1। मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई इस पूरे की? इस पूरे की डिग्री हो गई 1। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, x जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है और एक है y जिसके ऊपर 3 लिखा हुआ है। और आपको क्या करना है? हाईएस्ट पावर को पिक करना है। मतलब आप ये इसको सिलेक्ट करोगे तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इस पूरे की डिग्री, कितनी हो जाएगी? डिग्री हो गई 3। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, y के ऊपर कुछ नहीं तो 1, z के ऊपर कुछ नहीं तो 1। अब इसमें से हाईएस्ट पावर आपको लेना है तो इसकी भी डिग्री कितनी हो गई? 3। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा, यहाँ पे भी देख सकते हो आप डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी। ये तो 1 है और ये 2 है तो डिग्री आपका ये 2 हो जाएगा। तो लीनियर किसे कहना है? लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक और जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री 1 है तो इसको हम लीनियर बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री देख रहे हो आप 3 है तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 3 है इसको भी आप क्या बोलोगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री 2 है तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एकदम डिटेल में दिया हुआ है आपका चैप्टर नंबर 4, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको 4 या 5 मार्क देगा ये चैप्टर आपको एग्जाम में, 4+1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप, मैं वहाँ पे भी फिर से एक बार डिस्कस करूँगा इस कंसेप्ट को, और आपका ये क्यूबिक भी आपके सिलेबस में है, बट कोरोना पेंडेमिक की वजह से क्यूबिक को सिलेबस में से हटा दिया था लास्ट टाइम, रिड्यूस सिलेबस में डाल दिया था। तो पिछले साल तो हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ा था, क्यूबिक नहीं पढ़ा था। हो सकता है आपका पूरा फुल सिलेबस आए तो आपको क्यूबिक भी पढ़ना पड़े, बट ऑलमोस्ट आपका क्वाड्रेटिक तो पढ़ना ही रहेगा आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो इसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री होने के बाद। तो होप सो यहाँ तक सबको समझ में आया, ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं। यस और नो, एक बार जल्दी से बता दो। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, एक ही बच्चा बोल रहा है यस और नो, जल्दी से एक बार बोल दो फटाफट। यस सर। यस सर। चलिए फिर। yes, सबसे पहले मुझे यहाँ पे थोड़ा, हाँ, इतना इतना कुछ है वो जैनी मुझे समझा रही है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है जैनी, एक्सप्लेन करो। जैनी yes. एक्सप्लेन करो क्या पढ़ा है यहाँ पे हमने। अल्फाबेट होते हैं वो कॉन्स्टेंट वेरिएबल होते हैं, नंबर होते हैं वो कॉन्स्टेंट। अच्छा, उसके बाद अल्फाबेट को कॉन्स्टेंट कहा जाता है या वेरिएबल कहा जाता है? अल्फाबेट वेरिएबल। वेरिएबल, ओके। प्रियांशी, एक्सप्लेन करो इतना। आवाज नहीं आ रही प्रियांशी, आवाज नहीं आ रही है। प्रियांशी आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी? दिख भी जाए, आवाज सुन पा रहे हो मेरी आप लोग? यस सर। यस सर। प्रियांशी तुम्हारी ठीक से आवाज नहीं आ रही है। हेलो, माइक थोड़ा पास में ले लो ऐसा हो तो। हेलो, चलो कोई बात, दिख भी जाए ये वाला समझाओ, ब्लू पोर्शन। हेलो सर। के अंदर वन वेरिएबल होता है, उतार उसको। इसमें आप देख सकते हो कि हम एक ही वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल हो गया इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे देख सकते हो एक्स भी यूज किया है, वाई भी यूज किया है, जेड को भी यूज किया है, तो हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। और यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल। ठीक है, चलिए फिर, क्योंकि ये सारी बातें कैसी है कि आपको मतलब देखने में अच्छा लगेगा बट आप तुरंत भूल जाओगे। चैप्टर पूरा हम समझ लेते हैं एक बार, इस डिस्कस कर लेते हैं। खुशी, इसको एक्सप्लेन करो, मोनो बाइनो ट्राइनो। खुशी, यस सर। एक्सप्लेन करो सर, अगर एक टर्म हो तो मोनोमियल, दो टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल, और 4 और उससे ज्यादा हो तो पॉलीनोमियल। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मुझे बताना है कौन सा टर्म है। यस। Binomial.
बाइनोमियल, ओके ठीक है। ध्वनि ध्वनि या फिर श्रद्धा, दोनों से कोई एक्सप्लेन करो। एक श्रद्धा जिसकी एक पावर होती है ना उसको लीनियर कहते हैं, और जिसकी दो होती है उसको कॉन्ट्रीगेटर कहते हैं, और जिसकी थ्री होती है उसको क्यूबिक कहते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ माइनस टेन पी स्क्वायर, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रिक, क्वाड्रिक, क्वाड्रेटिक, ओके फाइन। और तक्स बताएगा, तक्स डिग्री क्या होती है? तक्स इसकी डिग्री, डिग्री से क्या समझते हो? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट कोई भी नंबर के इक्वेशन के, कोई भी नंबर के इक्वेशन के हाईएस्ट पावर किसके इक्वेशन के ऊपर, इक्वेशन के अंदर। हम इक्वेशन, अभी इक्वेशन मत बोलो, इक्वेशन बोलना अभी गलत हो जाएगा। क्या बोल, नंबर के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल। हाँ राइट, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे मैं बताऊं 4m100 प्लस 4p200, तो यहाँ पे देख सकते हो ये m की पावर कितनी 100 है, p की पावर कितनी 200 है, तो आप देख सकते हो दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन है, 200 ग्रेटर है 100 से। तो इस पूरे की, पूरा जो पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन है उसकी जो डिग्री कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये आपका मतलब 9th क्लास का बेसिक बेसिक था, 9th क्लास का पूरा बेसिक बेसिक था। अभी अभी जो हम बात करेंगे वो थोड़ा आपका 10th क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले पहले कुछ टर्म्स से हम फैमिलियर हो जाते हैं। इस पूरे चैप्टर में आपको ये 2-3 टर्म सुनने को मिलेंगे। नाइन्थ में अगर आपने देखा होगा ठीक से तो ये आपको 2-3 टर्म बार बार सुनने को मिले होंगे, रूट, ज़ीरो या सॉल्यूशन। तो ये क्या है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, किसे रूट कहना है, किसे ज़ीरो कहना है, किसे सॉल्यूशन कहना है। यहाँ पे जैसे मैं कोई एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ या कोई पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, 4m plus 4, अब मुझे किसी ने ऐसा बोला कि मुझे इसका क्या करना है, रूट निकालना है, मुझे इस पॉलिनोमियल का रूट निकालना है या मुझे इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना है या फिर मुझे इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकालना है। तीनों वर्ड का मीनिंग सेम ही है, ठीक है, और हम इसको एकदम बिल्कुल आसान भाषा में बोलें तो आंसर, आंसर को कुछ लोग मतलब बुक में रूट लिखा होता है, ज़ीरो लिखा होता है या सॉल्यूशन लिखा होता है। हम बोलते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इस क्वेश्चन का रूट क्या होगा या इस क्वेश्चन का ज़ीरो क्या होगा या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का हो क्या होगा। अब मुझे इसका क्या निकालना है, रूट निकालना है या आंसर निकालना है, तो क्या करूँगा मैं, ये आपने 9th क्लास में किया था, 4m plus 4 है, इसको आपने ज़ीरो कर देना है और इसको आप यहाँ पे लेके जाओगे तो 4m इज इक्वल टू -4 हो गया और m इज इक्वल टू -4/4, m इज इक्वल टू -1। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखना और समझना। मैं क्या लिख रहा हूँ, m इज इक्वल टू -1 इज रूट और ज़ीरो
और सॉल्यूशन, या फिर आसान भाषा में बोले आंसर, आंसर ऑफ 4m+4। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप m की वैल्यू -1 रखोगे तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं ज़ीरो। कैसे, मैं लिख के दिखाऊँ आपको, 4, यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये सच में ऐसा होता है। आप देख सकते हो 4 × -1 -4 + 4 ± ये कट हो गया, अब ज़ीरो। तो इसलिए यहाँ पे ज़ीरो बोला जाता है कि अगर आप m इज इक्वल टू -1 रखते हो इस क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में, 4m+4 में। जैसे आपने m इज इक्वल टू -1 इस क्वेश्चन में रखा तो इस क्वेश्चन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है m इज इक्वल टू -1 को रूट या ज़ीरो या सॉल्यूशन या कोई ऐसी वैल्यू जो सबको ज़ीरो कर दे। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो वर्ड अलग अलग लिया हुआ है बट मीनिंग है ना वो सेम टू सेम मीनिंग है इसका। आप आंसर बोलते हो जनरली, अभी तक हम मैथ्स में क्या पढ़ते आ रहे थे कि क्वेश्चन का आंसर होता है, बट यहाँ पे हम आंसर फाइंड करेंगे, उसका कुछ नाम अलग दे दिया है, उसको हम रूट बोलेंगे, ज़ीरो बोलेंगे या सॉल्यूशन बोलेंगे। कहने का मीनिंग ये है कि हमें उसका आंसर निकालना। ठीक है, तो होप्स हो कि शायद आपको रूट, ज़ीरो और सॉल्यूशन की बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इसको बताना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। रूट बोलना है या ज़ीरो बोलना है या सॉल्यूशन बोलना है? नहीं ना, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे हम थोड़ी छोटी मोटी बातें डिस्कस करेंगे। कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी इस चैप्टर में, रिमेम्बर करने वाली बातें, या फिर आप इसको नोट कर लो तो अच्छा रहेगा, कहीं पे स्क्रीनशॉट ले लेना ऐसा हो तो। ओके सर। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? ओके सर। डिग्री की बात की थी हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने रूट्स की बात की थी। रूट्स ले लो या फिर ज़ीरोज ले लो आप, अभी सिर्फ ज़ीरो ही लिखते हैं, या फिर सॉल्यूशन और इसका नेचर। ठीक है, अब डिग्री, अगर डिग्री वन है मतलब वो कौन होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर वो क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक दिया हुआ है पॉलिनोमियल तो डिग्री दो होगी उसकी, और अगर वो क्यूबिक है डिग्री उसकी थ्री होगी। अब एक बात ध्यान रखना, जितनी डिग्री उतने उसके रूट या उतने उसके ज़ीरो या उतने उसके सॉल्यूशन या उतने ही उसके आंसर। ठीक है, डिग्री दो है तो उसके दो आंसर होंगे, दो रूट होंगे, दो ज़ीरो होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे या दो आंसर होंगे, कहने का मतलब ये हुआ। अगर क्यूबिक है तो तीन आंसर आएंगे क्वेश्चन के, तीन रूट, तीन ज़ीरो, तीन सॉल्यूशन, तीन आंसर। ठीक है, और उन आंसर का हमने नाम दे दिया है। अगर एक आंसर आएगा तो हम उसको अल्फ़ा बोलेंगे, अगर दो आंसर आएगा तो हम पहले आंसर को अल्फ़ा बोलेंगे, दूसरे आंसर को बीटा बोलेंगे, और अगर तीन तीन आंसर आ रहे हैं तो पहले वाले आंसर को अल्फ़ा बोलेंगे, दूसरे वाले आंसर को बीटा बोलेंगे और तीसरे वाले आंसर को गैमा बोलेंगे। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। जैसे मैं आपको एक जनरल एग्जांपल लेके दिखाऊं, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 4x² + 3x + 2। तो आप जान ही गए होंगे ये इसमें डिग्री कितनी है, आपको हाईएस्ट पावर चेक करनी है वेरिएबल की। अब वेरिएबल तो ये रहे, इसके पास 1 है और इसके पास 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब इस कंसेप्ट के हिसाब से आप देखोगे
तो मतलब इसके दो आंसर आने चाहिए, इसके दो आंसर आने चाहिए, क्यों? इसकी डिग्री दो है, ये क्वाड्रेटिक है और इसकी डिग्री दो है क्वाड्रेटिक। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मतलब कोई ना कोई मेथड लगाऊंगा और इसको सॉल्व करूंगा, जो है ना दो अलग अलग आंसर मिलेंगे, जैसे x इज इक्वल टू 3 मिला और x इज इक्वल टू -1 मिला, ऐसे मान के चल रहे हैं, अभी हमने सॉल्व नहीं किया, अंदाजा लगा है, दो आंसर मिलने वाले हैं, क्यों? कंसेप्ट है हमारा डिग्री दो है तो आंसर दो आएंगे, x की दो अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि इस आंसर को आप बोलोगे अल्फा और इस आंसर को आप बोलोगे बीटा, ठीक है। ये हमारा मोटा मोटा कंसेप्ट था, तो आपको मतलब समझ में आया होगा ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं। किसी को अल्फा बीटा गैमा में मतलब अभी नया नया वर्ड यूज़ किया आपके सामने मैंने, तो किसी को कोई परेशानी है समझने में, कोई गलती हो रही है, मतलब कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है ऐसा कुछ? नो no. अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ, फिर से मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ एक बार, यस और नो? भाई 12 बच्चे कनेक्टेड है, एक ही बच्चा बोल रहा है। नो सर। 13 बच्चे कनेक्टेड है। नो सर। एकदम आसान भाषा में एक्सप्लेन किया आपको, और ये लेक्चर खत्म होने के बाद तुरंत आपको वीडियो भी मिल जाएगा इसका, ताकि आप मतलब बार बार इसको देख सकते हो बेसिक। ध्वनि, दिग्विजय, जैनी, खुशी, नम्रता, प्रिंस, प्रिंस नवोदय, प्रिंस जलाराम, राधिका, शिवान, सिद्धार्थ, अक्ष, ओके ठीक है। तो मीटिंग को यहाँ पे हम क्लोज करेंगे और अभी हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाली मीटिंग के अंदर, ठीक है। चलिए फिर मीटिंग को यहाँ पे हम एंड करते हैं। देखो नेक्स्ट मीटिंग आए तो आप ज्वाइन होने में टाइम मत लो, तुरंत आप ज्वाइन हो जाओ, आपका यहाँ पर 5 या 10 मिनट के बाद मीटिंग आ जाएगा, 5 मिनट के बाद ही मीटिंग आ जाएगा आपका,